हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह के। एवरीथिंग माय जीजस यूट्यूब चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं एक नए विषय के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का विषय है रात में सोने जाने से पहले बाइबल के 5 मुख्य वचन को जरूर आप पढ़ें। हाँ मेरे प्रियो, इन वचनों को जब आप पढ़ेंगे और प्रार्थना करके सोएंगे तो आपको ऐजे सुख की नींद आएगा, और आपको अगर नींद नहीं आता होगा तो आपको ऐजे नींद भरपूरी से आप ले पाएंगे। अगर आप नींद लेने के लिए दवा लेकर के सोते हैं तो दवा लेना आपको बंद हो जाएगा, और इन वचनों को जब पढ़ करके प्रार्थना करके सोएंगे तो आपको आनंद की नींद आएगा, सुख चैन की नींद आएगा। तो दोस्तों, हम बाइबल के वचन को देखते हैं और वो परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं कि वो कौन सी 5 वचने हैं जिसे हम पढ़ करके प्रतिदिन है जे सोने जाने से पहले से पढ़ के प्रार्थना करें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भजन संहिता 121 के 3 और 4 आयत में कहता है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर के वचन को जब पढ़ करके, बाइबल के वचन को जब पढ़ करके आप जब प्रार्थना करके सोते हैं तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे पाँव को टलने नहीं देंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे जे रक्षा करूँगा, और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमेशा जे मैं जागता रहता हूँ। वो कभी नहीं सोने वाला है परमेश्वर, हमारा आपका परमेश्वर है, वो कभी भी जे नहीं सोता है, न कभी उगता है, वो हमेशा तत्पर रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसा कि नीति वचन 3:24 कहता है मेरे प्रियो, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। मेरे प्रियो, अगर अब तक आप सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं और आपको नींद नहीं आता है तो आप इन वचनों को पढ़ के प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। वो सुख का नींद देने वाला परमेश्वर है, वो आनंद का नींद देने वाला है मेरे प्रियो। तो जब आप इन वचनों को पढ़ के आप सोने को जाएंगे तो आपको परमेश्वर वादा करता है, परमेश्वर कहते हैं कि तुम डरोगे नहीं, तुम भयभीत नहीं होगे, तुम्हें अजय सुख का नींद अजय दूंगा। जैसा कि भजन संहिता 3:5 कहता है मेरे प्रियो, मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम आप सोते हैं और सुबह को जागते हैं तो सुलाना और जगाना दोनों यहोवा परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो, क्योंकि जीवन में श्वास वो देता है। रात को सोते हैं, हमें आपको मालूम नहीं रहता है कि सुबह का दिन देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर है जिस रात को सुलाते हैं और सुबह दिखाते हैं, क्योंकि आगे वचन कहता है कि यहोवा मुझे संभालता है। मेरे प्रियो, हम आपको परमेश्वर संभालते हैं जब उनसे प्रार्थना करते हैं और उनके वचन को पढ़ करके उनसे बोल बोल के प्रार्थना करते हैं, सुरक्षा मांगते हैं, तो हम आपको संभालते हैं, सुख चैन के नींद देते हैं और एक नया दिन दिखाते हैं मेरे प्रियो। जैसा कि भजन संहिता 91:5 आयत कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरिये में उजारता है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे भाई बहन के बारे में आप सुने होंगे कि रात को उनको अचानक सोते सोते ऐसा उठते हैं, अचानक डर जाते हैं और अचानक इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो हमेशा ऐसे परेशान, रात को उन्हें अच्छा नींद नहीं आता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम आप इन वचनों को पढ़ करके प्रार्थना कर करके जब सोएंगे तो रात के भय से नहीं डरेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हम आपके साथ है जे परमेश्वर रहने के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सोऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऊँघूंगा नहीं, मैं तुम्हें हमेशा रक्षा करूंगा, और मैं तुम्हें जे अंधेर में फैलती हुई हर एक महारोगों से, हर एक मरिया से मैं तुम्हें बचाऊंगा, हर एक उजाड़ने वाली हर एक आत्माओं से मैं तुम्हें सुरक्षा करूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जब उनके वचन को पढ़ते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम आपको सुरक्षा देते हैं। जैसा कि भजन संहिता 121:6 और 7 आयत में कहते हैं, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण
की रक्षा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, जब इन पांच वचनों को आप जब पढ़ करके आप सोने को जाएंगे, प्रार्थना कर करके सोने को जाएंगे, तब परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि रात को कोई चांदनी से तेरी कुछ हानि न होगी। परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रियो कि मैं तुझे सारी विपत्तियों से तुझे रक्षा करूँगा। परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रियो कि मैं तेरे प्राण को रक्षा करूँगा। तो दोस्तों, इन पांच वचनों को एक बार अवश्य पढ़ें रात को सोने जाने से पहले, और प्रार्थना करके सो के देखें, तब देखें कि आपको परमेश्वर कैसे सुख और चैन के नींद देते हैं, कैसे आपको परमेश्वर सुरक्षा करते हैं, और कैसे आप जे अगर आपको रात को अच्छा नींद नहीं आता है, तब देखें कि परमेश्वर कैसे आपको आनंदित नींद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रियो, आपने वीडियो को पूरा देखा, और वीडियो को देखने के लिए आपने अपने कीमती समय को निकाला, इसलिए मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। तो मेरे प्रियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगले वीडियो जब भी मैं डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके, जिससे आप आशीष को पा सके। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।